श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक में लातीजा गुरमुखी सच्चे भाव दे दरी सच्चे सच्चे आर साजन मनी आनंद है गुर का शब्द विचार अंतरी शब्द वसाया दुख कटिया चाननु किया करतारी नानक रखन हारा रक्षी अपनी कृपा तारी। सतगुर के सानिध्य में रहने वाले भले पुरुष सच्चे प्रभु हरि को भले लगते हैं और परमात्मा हरि के द्वार पर सत्य के व्यापारी माने जाते हैं। गुरुमुख सच्चे पाव दे दरी सच्चे सच्चे यार। सतगुर के ज्ञान पर विचार करने वाले उन सज्जनों के मन में सदा उल्लास होता है। सतगुर का ज्ञान उन्होंने हृदय में बसाया है, इसलिए सृजनहार प्रभु हरि ने उनका दुख समाप्त कर दिया और उनके हृदय में प्रकाश किए। साजन मनी आनंदो है गुर का शब्दो विचार अंतरी शब्दो वसाया दुख कटिया चाननो किया करतार। हे नानक जी, रक्षक प्रभु अपनी कृपा से उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। नानक रखन आरा रक्षी अपनी कृपा तारी। गुर की सेवा चाकरी पैर रची कार कमावी जे हां सेवे ते होवे जे चले तिससे रजाई। नानक सब कुछ आपी है अवर न दूजी जाई। यदि मनुष्य प्रभु हरि के भय में रह करके गुरु द्वारा बतलाई सेवा करे और उस प्रभु हरि की रजा में रहे तो वह उस प्रभु जैसा ही हो जाता है जिसे वह स्मरण करता है। फिर हे नानक जी, ऐसे मनुष्य को सर्वत्र ईश्वर ही प्रतिभाषित होता है। प्रभु के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं दिखता और ना कोई आश्रय की जगह ही दिखाई देती है। नानको सब कुछ वापी है अवर न दूजी जाए। तेरी वड्याई तू ही जानदा तुद्दू जेवड़ू अवर न कोई तुद्दू जेवड़ू होरो सरीकू होवे ता आखिए तुद्दू जेवड़ू तू ही होई। जिनी तू सेव्या तिनी सुख पाया होरू तिस्ती रीस करे किया कोई तू पन्नन कड़न समरथ दातारू हही तुद्दू अग्गे मंगन नो अथ जोड़ी खली सब होई। तुद्दू जेवड़ू दा तारू मैं कोई नदरी ना आवी तुद्दू सबसे नो दानो दिता खंडी वर खंडी पताली पुरी सब लोई। पौड़ी, प्रभु जी तुम कितने महान हो ये तुम स्वयं ही जानते हो, क्योंकि तुम्हारे बराबर दूसरा कोई नहीं है। तेरी वड्याई तू ही जानदा तुद्दू जेवड़ू अवर न कोई। यदि तुम्हारे बराबर तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी हो तो भी बतलाया जा सकता है कि तुम कितने महान हो। वास्तव में तुम्हारे समान तुम स्वयं ही हो। तुद्दू जेवड़ू होए सरीकू होवे ता आखिए तुद्दू जेवड़ू तू है होई। जिस मनुष्य ने तुम्हें स्मरण किया है उसने सुख पाया है, दूसरा कोई उसकी क्या बराबरी कर सकता है। जिन्नी तू सेव्या तिन्न सुख पाया होरू तिस्ती रीस करे किया कोई। शीरों को नष्ट भी तुम स्वयं करते हो और बना भी स्वयं सकते हो, सब देन भी देने वाले हो और समस्त सृष्टि तुम्हारे समस्त देन मांगने के लिए हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। तू पन्नन कड़न समरथ दतारू हही तुद्दू अग्गे मंगन नो हथ जोड़ी खली सब होई। मुझे तुम्हारे जैसा दूसरा दानी नजर नहीं आता। खंडों ब्रह्मांडों पतालों और पुरियों तथा समस्त लोकों में तुमने ही सब जीवों को दान दिया। तुद्दो जेवड़ू दातारू में कोई नदरी न आवी तुद्दो सबसे नो दानो दित्ता खंडी वर खंडी
पताली पूरी सब लोई। श्लोक में लाती जा, मनी प्रतीति ना आया सहज न लगो पाऊ, सबदे साधु न पायो मन ठीक किया गुन गाई, नानक आया सो परवानु है जी गुरमुख सच्ची समाई। यदि मन प्रभु हरि के अस्तित्व के प्रति विश्वस्त ना हुआ और आत्मिक टिकाव में लगाव ना हुआ, यदि शब्द का रस नहीं पाया तो मन के हट से प्रभु की गुण स्तुति का क्या लाभ। हे नानक जी, संसार में उसी जीव का जन्मना मुबारक है जो सतगुरु के सम्मुख रह करके सत्य में लीन हो जाए। सब दे साधु न पायो मन ठिकिया गुण गाई, नानक आया सो परवानु है जे गुरमुख सच्ची समय। आप ना आपू ना पछाने, मूड़ा अवरा आखी दुखाए, मुंडे दी खसलती न गईया, अंधे बिछड़ी चूटा खाए, सतगुर के पै पन्नी न कड़िया रहे अंकी समाए, अंधन सहसा कते न चुके बिनु सब दे दुख पाए, काम क्रोध लोभ अंतर सबल नित तंदा करत बिहाए, चरण कर देखत सुनी थके दिन मुक्के नेड़े, दिन मुक्के नेड़े आए, सच्चा नाम न लगो मिठा जितु नामी नव निधि पाए, जीव तू मरे 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 फुनी जीवे ता मोखंतर उपाए, तुरी कर्म न पायो परानी विनु कर्मा किया पाए, गुर का शब्द समानी तुम मुड़े गतिमति सब दे पाए, नानक सतगुरु तब ही पाए जब विचु आप ही गवाए। मूर्ख मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता और दूसरों को कह कह कर दुखी करता है। अंधे व्यक्ति की प्रारंभिक प्रवृत्ति दूसरों को दुख पहुंचाने की दूर नहीं होती और परमात्मा से अलग रह करके दुख पाता है। मूर्ख जीव के हृदय में काम क्रोध और लोभ प्रबल रहते हैं और हमेशा धंधों में उलझे हुए ही उम्र बीत जाती है। अन दिनों सहसा कदे न चुके बिनु सबदे दुख पाए, काम क्रोध लोभ अंतरी सबला नित तंद करत बिहाए, हाथ पैर देख देख करके और सुन सुन करके थक गए हैं, उम्र के दिन समाप्त हो गए हैं। जिस नाम के द्वारा नौ निधियां प्राप्त हो जाएं, वह सच्चा नाम मूर्ख को प्यारा नहीं लगता। सच्चा नाम न लगो मिठा जितु नामी नव निधि पाए, जीव तू मरे मरे फुनी जीवे ता मोखंतर पाए। संसारिक काम काज करते हुए संसारिक आकर्षणों से तटस्थ रह करके मृत हो जाएं और तदंतर प्रभु स्मरण द्वारा जीवंत हो जाएं, तभी मुक्ति का रहस्य प्राप्त होता है। लेकिन जिस प्राणी को परमात्मा हरि के द्वार से उसकी कृपा प्राप्त हुई हो तो वह पूर्वकृत कर्मों के परिणाम के अनुसार शुभ संस्कारों से उपजे शुभ कर्मों के बिना अब ईश्वर भजन के संस्कार कहाँ से पाए। हे मूर्ख, सतगुरु के शब्द को हृदय में संभाल करके उच्च आत्मिक अवस्था तथा सबुद्धि शब्द द्वारा ही प्राप्त होती है। तुरी कर्मो न पायो परानी विनु कर्मा की अपाए, गुर का शब्दो समाली तो मुड़े गतिमति सब दे पाए। हे नानक जी, सतगुर भी तभी मिलता है जब मनुष्य हृदय से अहंकार दूर करता है। नानक सतगुर तब ही पाए जा विचु आप गोवाए, जिस ते चीती वस्या मेरा स्वामी, तिसनु क्यों अंदेसा किसे गले दा लोड़िए, हरी सुख दाता सबना गला का, तिसनु त्याइए
केवल निमक कड़ी मुंह मोड़िए। जिनी हरी त्याया तिसनु सर्व कल्याण होए, नित संत जना की संगति जाई बहिए मुख जोड़िए। सभी दुख पुख रोग गे, हरि सेवक के सभी जन के बंधन तोड़िए। हरि कृपा ते होया हरि भक्तो, हरि भगत जना के मुहि दिठे जगतु तरिया सब लोड़िए। जिस मनुष्य के हृदय में प्रिय प्रभु वास करे उसे किसी बात की चिंता नहीं रह जाती। प्रभु प्रत्येक प्रकार का सुख देने वाला है, उसका स्मरण करने से एक क्षण भी नहीं चुकना चाहिए। जिस ते चीती वस्या मेरा स्वामी, तिसनों क्यों संदेशा किसे गले दाल लोड़िए। हरी सुखदाता सबना गला का, तिसनों ते आइए क्यों निमख कड़ी मुंह मोड़िए। जिस मनुष्य ने हरि को स्मरण किया है उसे सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सदा सत्संगति में जा करके बैठना चाहिए और प्रभु के गुणों का विचार करना चाहिए। हरि के भक्त के समस्त क्लेश, भूख और रोग दूर हो जाते हैं। कल्याण होए, नित संत जना की संगति जाए बहिए मुँह जोड़िए। सभी दुख पुख रोग गए, हरि सेवक के सभी जन के बंधन तोड़िए। भूख और रोग दूर हो जाते हैं और सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हरि का भक्त हरि की अपनी कृपा द्वारा बनता है। लोगों को चाहिए कि हरि के भक्तों का दर्शन करके पार उतर जाएं, लेकिन ये संसारिक व्यक्तियों को भला नहीं लगता। हरि कृपाते हुआ हरि भगतो हरि, हरि कृपाते हुआ हरि भगतो, हरि भगत जना के मुँह डिठे जगतु तरिया सबु लोडी। श्लोक महला तीजा। सा रसना जरी जाऊं जिन्नी हरि का स्वाऊ न पाया, नानक रसना सबदी रसाई जिन्नी हरी हरी मन वसाया। जिस जिहा ने हरी नाम का आस्वादन नहीं किया वह जिया जल जाए, अर्थात वह जिहा व्यर्थ। सा रसना जली जाऊं जिन्नी हरी का स्वाद ना पाया। हे नानक जी, वह जिहा गुरु के शब्द में रस मग्न हो जाती है जिसने प्रभु हरि को मन में बसाया। नानक रसना सबदी रसाई जिन्नी हरी हरी मन न वसाया। सा रसना जली जाए जिन्नी हरि का नाम विसारिया, नानक गुरमुखी रसना हरि जपे हरि के नाई प्यारिया। जिस जिहा ने प्रभु हरि का नाम को विस्मृत किया है वह जिहा जल जाए। हे नानक जी, सतगुर के सानिध्य में रहने वाले मनुष्य की जिहा हरि का नाम जपती है और हरि के नाम में लगाव रखती है। नानक गुरमुखी रसना हरि जपे हरि के नाई प्यारिया। हरि आपे ठाकुर सेवको भगतो, हरि आपे करे कराए, हरि आपे विखे विकसे आपे, जितो पावे तितो लाए। हरि इकना मार्गी पाए आपे, हरि इकना उजड़ी पाए, हरि सच्चा साधु सच्चो पावसो, करी वेखे चलत सबाए। गुर प्रसादी कहे जनु नानक, हरि सच्चे के गुण गाए। प्रभु स्वयं ही ठाकुर और स्वयं ही सेवक और भक्त है। हरि आपे ठाकुर सेवको भगतो, हरि आपे करे कराए। आप कार्य करता है और आप ही जीवों से करवाता है। हरि आपे वेखे विकसे आपे, जितू पावे तितू लाए। जिस ओर चाहता है उस ओर से जीवों को प्रवृत्त करता है।
एक जीव को आप ही सन्मार्ग पर लगाता है और एक को आप ही कुमार गामी बनाता है। हरि सच्चा मालिक है, उसका न्याय भी अविस्मरणीय है। वे आप ही समस्त तमाशे करके देख रहा है। नानक जी का कथन है कि सतगुरु की कृपा से ही मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु के गुण गाता है। हरि सच्चा साहिबु सच्चु तपावसो करी वेखे चलत सबाए गुर प्रसादी कहे जन नानक हरि सच्चे के गुण गाए। श्लोक में लाती जा दर देसी को जानसी विरला को दरवेशो जे करी करी हंडे मंगदा तिगो जीवनो तिगो वेशो जे आसान देसा तजी रे गुरमुखी पिख्या नाऊ तिसके चरण पखा लई नानक हूं बलिहारी जाऊं। कोई विरला फकीर ही फकीरी के आदर्श को समझता है। दरवेशी को जानसी विरला को दरवेशो, यदि कोई व्यक्ति फकीर होकर के घर घर मांगता फिरे तो उसके जीवन को धिक्कार है। जे घरी घरी हंडे मंगदा तिगु जीवनु तिगु वेशु, और उसके फकीरी पहनावे को धिक्कार है। यदि कोई प्राणी फकीर बन करके आशा और चिंता को छोड़ दे और सतगुरु के सानिध्य में रह करके नाम की भिक्षा मांगे तो हे नानक जी मैं उस पर बलिहारी हूँ, उसके चरण धोने चाहिए। जे आशा अंदेशा तजी रहे गुरमुखी पिख्या नाऊ तिसके चरण पखा ली नानक हूँ बलिहारे जाऊं। नानक तरवर एको फलो दुई पखेरु आही आवत जात ना दिसी न पर पंखी ताई बहुरंगी सर्प गिया सबदे रहे निर्वाणो हरि रसी फरी राते नानका कर्मी सच्चा निशानो। हे नानक जी संसार रूपी वृक्ष पर माया मोह का फल लगा है, उस पर गुरुमुख तथा मनमुख दो प्रकार के पक्षी हैं। वे पक्षी पंखहीन है, वे आते जाते दिखाई नहीं देते हैं। बहुत से रंगों में आस्वादन लेने वालों ने रसों को चखा है और निश्चेष्ट पक्षी शब्द में लीन रहता है। हे नानक जी हरि की कृपा से जिनके मस्तक पर सच्चा टीका है वे नाम के रस रूपी फल में मस्त रहते। बहुरंगी रस पो गया सबदी रहे निर्वाणो हरि रसी फली राते नानका कर्मी सच्चा निशान। आपे धरती आपे हराय को आपे जंबाई पिसावे आपे पकावे आपे पाड़े दे परोसे आपे ही बही खावे आपे जलू आपे दे छिंगा आपे चुल्ली परावे आपे संगति सदी बहाले आपे विदा करावे जिसनु किरपालु होवे हरि आपे तिसनु हुक्मी मनावे। प्रभु हरि आप ही भूमि है और आप ही उसे जोतने वाला है, आप ही उगाता है और आप ही पिसाता है, आप ही पकाता है और आप ही बर्तनों में बांटता है और आप ही चुल्ली कराता है। आपे धरती आपे है रायकू आप ही जमाई पिसावे आप ही पकावे आप ही भांडे दे परोसे आपे ही बई खावे। हरि आप ही संगति को बिला करके बिठाता और आप ही विदा करता। जिस पर प्रभु कृपालु होते हैं उसे अपनी रजा में मनाता है। आपे संगति सदी बहाले आप ही विदा करावे जिसनु कृपालु होवे हरि आपे तिसनु हुक्म मनावे। श्लोकों में लाती जा करम धर्म सभी बंधना पाप पुण्य सन बंधु ममता मोह सुबंधना पुत्र कलत्र सुतंदु।
ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਜੇਵਰੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੂ ਵਰਤਨੀ ਵਰਤੇ ਅੰਧੂ। ਸਮਸਤ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਜੋੜ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭੀ ਬੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਨ ਬੰਧੂ ਮਮਤਾਰ ਮੋਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਕਾ ਲਗਾਵ ਵੀ ਦੇਹ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੇਤੂ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਸੁ ਬੰਧਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੁ ਦੰਦੂ ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਜੇਵਰੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧੂ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਅੰਧਾ ਮਨੁਸ਼ਯ ਮਾਇਆ ਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੂ ਵਰਤਨੀ ਵਰਤੇ ਅੰਧੂ। ਅੰਧੇ ਚਾਨਣੇ ਤਾਂ ਥੀਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਰਜਾਈ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਸੱਚੇ ਵਸੇ ਅਗਿਆਨੋ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖੇ ਤਿਸੇ ਕਾ ਜਿੰਨੀ ਕੀਆ ਤੰਨੋ ਸਾਜੀ ਨਾਨਕ ਸਰਨੀ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਖੇ ਲਾਜ। ਅੰਧੇ ਮਨੁਸ਼ਯ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਭੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯਦਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਰਜਾ ਸਵੀਕਾਰਤੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਸੇ ਹੀ ਵਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਚਾਨੂ ਤਾਂ ਥੀਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਰਜਾਈ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਸੱਚੀ ਵਸੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕਾ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਮਨੁਸ਼ਯ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੀ ਕਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖੇ ਤਿਸੀ ਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਹਿ ਮਨੁਸ਼ਯ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਕੀ ਲਾਜ ਵਿਚਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਰਨੀ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਖੇ ਲਾਜ। ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਥਾਤੂ ਕੀਆ ਬਹੀ ਕਰਤੇ ਤਬੂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਸੇਕੂ ਦੀਆ ਤਦੋ ਕੀਆ ਕੋ ਲੇਵੇ ਕੀਆ ਕੋ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੀਆ। ਫਿਰੀ ਆਪੇ ਜਗਤੂ ਉਪਾਇਆ ਕਰਤੇ ਦਾਨੋ ਸਭਨਾ ਕਉ ਦੀਆ ਆਪੇ ਸੇਵ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਪੀਆ। ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰੂ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਥੀਆ। ਜਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀ ਤਬ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੀ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਥਾ। ਜਬਕਿ ਦੂਸਰਾ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਥਾ ਇਸਲੀਏ ਤਬ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਿਸੀ ਸੇ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਥਾ ਔਰ ਦੇਣਾ ਕਿਆ ਥਾ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਉਤਪੰਨ ਕੀਆ ਔਰ ਸਭ ਜੀਵੋਂ ਕੋ ਰੋਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਵਹਿ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੇਵ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਪੀਆ। ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰੂ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਥੀਆ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਹੀ ਸਦ ਸਾਚਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਪਿਆਰੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦੀ ਗਾਵੀ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਅਰਧੀ ਉਰਧੀ ਉਤਾਰੀ ਅੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮੋ ਵਸਿਆ ਤੁਰੀ ਕਰਮੋ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰਤਾਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪੀ ਮਿਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਨਿਧਿ ਮੇਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁਸ਼ਯ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਲੋ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਤ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹਰੀ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਤਸਾਹ ਪੂਰਵਕ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਕੀ ਗੁਣ ਸਤੁਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਸੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਦਾਨ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਉਨਕੇ ਭਕਤੋਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ
प्यारा प्रभु बसता है। हे नानक जी, उस प्रभु ने आप ही कृपा करके उन्हें अपने में मिला लिया। नानक आप ही मिलाई नो आपे कृपा तारी। कहिए कथिए न पाइए, आंदिन रहे सदा गुण गाई, विनु कर्मे किने न पायो, पौकी मुए बिल्लाई, गुर के शब्दी मन तनु पिजे, आपे वसे मन दाई, नानक नदरी पाइए आपे ले मिलाए। प्रभु के प्रति जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता, तब तक मनुष्य चाहे सर्वदा हर समय गुणगान करता रहे, लेकिन इस प्रकार कहते रहने से प्रभु नहीं मिलता। प्रभु कृपा के बिना वह किसी को नहीं मिला, जबकि कितने ही मनुष्य रोते पीटते मर जाते हैं। सतगुरु के शब्द द्वारा तन मन भीगता है और प्रभु हृदय में बसता है। हे नानक जी, प्रभु अपने कृपा दृष्टि द्वारा ही मिलता है और वह आप ही जीव को अपने साथ मिलाता है। नानक नदरी पाइए आपे ले मिलाए। आपे वेद पुराण सब शास्त्र, आपे कथे आपी पीजे, आपे ही बही पूजे करता आपे परपंच करीजे, आपी परवृत्ति आपी निर्वृत्ति, आपे अकथु अकथीजे, आपे पुन्नो सब आपी कराए, आपी अल्पतु वर्तीजे, आपे सुखो दुखो देवे, करता आपे बकस करीजे। समस्त वेद पुराण और शास्त्रों का सृजन प्रभु आप ही करते हैं। आप ही वेद पुराण सभी शास्त्र आप ही कथे आप ही पीजे। आप इनकी कथा कहते हैं और आप ही सुनकर के प्रसन्न होते हैं। आप ही बही पूजे करता आपे परपंच करीजे। हरि आप ही बैठ करके पूजा करता है और आप ही दूसरा प्रसार प्रसार प्रसारित करता है। वह आप ही संसार में प्रवृत्त है और आप ही इससे तटस्थ लिए बैठा है और अपना अकथनीय व्यक्तित्व आप ही व्यक्त करता है। वह पुण्य भी आप ही कराता है, तदंतर पाप पुण्य से निर्लिप्त भी आप ही रहता है। प्रभु आप ही सुख दुख देता है और आप ही कृपा करता है। आप ही परवृत्ति आप ही निर्वृत्ति, आपे कथो कथीजे, आपे पुन्नो सब आप ही कराए, आप ही अल्पितु वर्तीजे, आपे सुखो दुखो देवे, करता आपे बखस करीजे।